हमारा योगी आ गया। बाबा जी के चरणों में सादर नमन है हमारे सारे परिवार का। बाबा जी एक दिव्य विभूति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग आए थे यहाँ 3 हफ्ते पहले, हम 3 हफ्ते से हैं यहाँ पे, तो मम्मी जी को 90% ब्लॉकेज था हार्ट में। मम्मी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। हे राम, 99%। तो यहाँ भी हम लोग जब भी हम जाते थे तो रिक्शा बुलाना पड़ता था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मम्मी ने रिक्शा नहीं बुलाया और आज भी वो पैदल ही सब चीज़ चल के खुद ही अपना इलाज करा रही है। अब मैया को डर लग रहा था ऑपरेशन वाले मार देंगे पहले, मैं तो बाबा के पास जाऊंगी तो बच गई। वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अंदर जा चुकी थी, उनको निस्थीसिया देने वाले थे डॉक्टर, वो चिल्ला के बाहर आ गई, निस्थीसिया नहीं लिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने बोला 2 महीने में आप स्वर्ग विधा शर्त ले जाएंगी, लेकिन माँ ने बोला कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगी। तो हमने मम्मी को यहाँ पर लेकर के आया और ये जीते जी स्वर्ग में आ गई, जीते जी ऊपर वाले स्वर्ग से बच गए। बाबा जी एक दिव्य भूति हैं, मैं चाहूँगा कि बाबा जी हजारों साल जिए और मनुष्य जाति की ऐसी सेवा करते रहें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने स्वर्ग बनाया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ एक मच्छर भी ना हो, बाबा जी ने एक स्वर्ग का निर्माण किया हम लोगों के लिए। तो बाबा जी के चरणों में सादर नमन है हमारा। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। अब माँ को ले आया, माँ भी बच गई, बाप बेटा भी खुश और अम्मा भी। ये हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब पूरी बॉडी रिपेयर होती है। चलो खुश रहो।